तो स्वागत दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरके टेक्निकल। इस वीडियो बताऊंगा दोस्तों आप किस तरीके से अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को रूट कर सकते हैं विदाउट पीसी, विदाउट किंग रूट के। बहुत ही आसानी से अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में रूट एक्सेस को प्रॉपरली इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं दोस्तों विद हेल्प ऑफ वीमोज। जी हाँ दोस्तों, वीमोज मैंने अपने डिवाइस में पहले से इंस्टॉल कर लिया है। आपको कैसे इंस्टॉल करना है मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, वहाँ पर से आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने डिवाइस में चले जाना है, देन दोस्तों आपको अबाउट फोन पे आ जाना है, देन यहाँ पर आपको दिख जाएगा बेल्ड नंबर। बेल्ड नंबर पर दोस्तों आपको 7 टाइम प्रेस कर देना है। 7 टाइम प्रेस करने के बाद दोस्तों आपके में डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। देन दोस्तों डेवलपर ऑप्शन को ओपन करके आपको इसको इनेबल कर लेना है। देन नीचे आना है दोस्तों। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको जो ऑप्शन दिखेगा यूएसबी डिबगिंग का, ये वाला ऑप्शन दोस्तों आप सभी को कर लेना है ऑन। देन आपको नीचे आते हुए एक और ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, फोर्स जीपीयू रेंडरिंग, ये वाला भी ऑप्शन दोस्तों आप सभी को कर लेना है ऑन। ऑन करने के बाद यहां पर से आपका सेटिंग से हो चुका है काम कंप्लीट। अब दोस्तों आप सभी को अपना गूगल ओपन कर लेना है। मैं कर लेता हूँ यहाँ पर से अपना गूगल को ओपन। गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से आपको सर्च बॉक्स पर टाइप कर लेना है आई रूट APK डाउनलोड। जी हाँ दोस्तों, आप आई रूट APK डाउनलोड जैसे ही यहाँ पर सर्च करेंगे आपको फर्स्ट नंबर की वेबसाइट ये देखने को मिल जाएगी मेलविडा की। मेलविडा की वेबसाइट पे जाने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर दिख जाएगा ग्रीन कलर के ऑप्शन में डाउनलोड का वाला ऑप्शन, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका सक्सेसफुल यहाँ पर से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता यहाँ पर से डाउनलोड होना स्टार्ट तो यहाँ पर क्लिक हियर पर आप जैसे क्लिक करेंगे देन अगर आपके में नोटिफिकेशन आएगा, देन आपका यहाँ पर डाउनलोड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर से आपको थोड़ा वेट कर लेना है इसके डाउनलोड पूरा होने तक। तो मैं कर लेता हूँ दोस्तों इसका वेट। देन यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा डाउनलोड यहाँ पर से हो चुका है दोस्तों कंप्लीट। अब दोस्तों आप सभी को अपने डिवाइस में सुपर यूज़र ऐप को कर लेना है दोस्तों आप सभी को ओपन। जी हाँ दोस्तों, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके रोम पे ही इंस्टॉल आपको देखने को मिल जाएगा सुपर यूज़र ऐप। तो इसमें दोस्तों आपको दिख जाएगा मैजिस का ऑप्शन, वहाँ पर से आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेटिंग में चली जानी है। देन यहाँ पर से वाला ऑप्शन दोस्तों आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर से हो चुका है आपका सुपर यूज़र से काम कंप्लीट। अब दोस्तों आपको जो मैजिक मैनेजर है उस ऐप को दोस्तों आपको कर लेना है ओपन। मैं कर लेता हूँ दोस्तों मैजिक को ओपन। मैजिक ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से मैं कर लेता हूँ यहाँ पर से इंस्टॉल अलाउ करना है। देन यहाँ पर से दोस्तों आपको जीप फाइल अपने डिवाइस के लिए डाउनलोड कर लेनी है। 24.1 की जीप फाइल मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूँगा, वहाँ पर से आपके डाउनलोड करके यहाँ पर इस फाइल में नीचे आने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखेगा ये वाले बूट इमेज, जिसको करके लेना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों ये आपका सक्सेसफुली फ्लैश हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इतना काम करने के बाद हमारा हो चुका है मैजिक से काम कंप्लीट। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट काम आ जाता है, आपने जो iRoot का APK डाउनलोड किया था दोस्तों उसको आपके डिवाइस में कर देना है इंस्टॉल। मैं दोस्तों इंस्टॉल पर जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पर से आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल एनीवे अनसेव का, उस वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये हमारा सक्सेसफुली iRoot हो चुका है कम्प्लीट। आपको दोस्तों अपना सुपर यूज़र फिर से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों जो आपने iRoot जो डाउनलोड किया था उसको भी दोस्तों आपको यहाँ पर अलाउ परमिशन देनी होगी। देन यहाँ पर से क्लिक करके दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपको ऑन ऑफ कर लेना है। देन इसको दोस्तों लॉन्ग प्रेस करके अलाउ पर क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पर से आपको सुपर यूज़र से यहाँ पर इसको परमिशन मिल चुकी है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से हो चुका है आपका सुपर यूज़र से भी काम कंप्लीट। अब दोस्तों आप जो ने iRoot डाउनलोड की थी वहाँ पर से आपको लॉन्ग प्रेस करना है। मैं कर लेता हूँ यहाँ पर से लॉन्ग प्रेस। देन दोस्तों आपको देख दिया गया ऐप इन्फो का ऑप्शन, ऐप इन्फो पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर से आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा। देन दोस्तों आपको नीचे में दिख जाएगा एडवांस सेटिंग में, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अलाउ मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपके में पहले से ऑफ रहेगा, इसको अब दोस्तों आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद दोस्तों ये आपके डिवाइस को सक्सेसफुली रूट कर देगा। जी दोस्तों, ये सेटिंग आपको ऑन बेहतरीन तरीके से कर लेनी है, तभी आपके में ये वर्क करेगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों सभी सेटअप करने के बाद अब आपको iRoot अपना ओपन कर लेना है। मैं कर लेता हूँ दोस्तों अपना iRoot को ओपन। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर से iRoot को ओपन। देन दोस्तों आप यहाँ को दिख जाएगा आई एग्री का ऑप्शन, आई एग्री पे आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों देन आपको दिख जाएगा गेट रूट एक्सेस का ऑप्शन। तो यहाँ पर से दोस्तों आप सक्सेसफुल यहाँ पर गेट रूट एक्सेस पर क्लिक करेंगे, आपको दोस्तों 10 मिनट वेट करना है, देन आपका डिवाइस सक्सेसफुली रूट हो जाएगा। मैं आपको दोस्तों अपना
तो जी हाँ दोस्तों, 10 मिनट बाद मेरा डिवाइस अब ओपन हो चुका है। देन दोस्तों मैं अपना एक्सपोजिड इंस्टॉलर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों एक्सपोजिड इंस्टॉलर सक्सेसफुली एक्टिवेट दिखा रहा है, तो मेरा डिवाइस सक्सेसफुली रूट हो चुका है दोस्तों आई रूट से। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों मैं यहाँ पर से मॉड्यूल्स को भी डाउनलोड कर सकता हूँ जो मॉड्यूल्स मेरे को चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से रूट एक्सेस को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो नीचे में कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।